फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी आज 61 साल के हो गए हैं। हिरानी उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनके खाते में सिर्फ हिट फिल्में ही रही हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS, संजू, PK, थ्री इडियट्स जैसी फिल्में। ये बॉलीवुड के सबसे अमीर डायरेक्टर्स में से एक भी हैं। हिरानी की कुल नेटवर्थ करीब 1,400 करोड़ रुपए है। उन्होंने अब तक 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं और सभी हिट रही हैं। बतौर डायरेक्टर उनकी 6ठी फिल्म डंकी है, जो 21 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान मेन रोल में नजर आएंगे, जिनकी इसी साल 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई, पठान और जवान। ऐसे में हिरानी का ट्रैक रिकॉर्ड और शाहरुख की मौजूदा सक्सेस को देखते हुए डंकी को भी सुपरहिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर क्या आपको पता है कि डंकी से पहले शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की 2 फिल्में ठुकरा दी थी, लेकिन जब डाउनफॉल आया तो खुद हिरानी से काम मांगा और तब जाकर डंकी बनी। जी हाँ, ये बात सच है। दरअसल 0 के बाद जब शाहरुख का करियर डाउनफॉल पर था तो वो हिरानी से खुद काम मांगने गए थे। इसके बाद हिरानी ने उन्हें डंकी में लिया। वैसे हिरानी जब मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने लीड रोल शाहरुख को ही ऑफर किया था, लेकिन तब उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद हिरानी ने उनका 1 साल तक इंतजार किया, लेकिन शाहरुख नहीं माने तो ये रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इसके बाद हिरानी ने एक बार फिर से फिल्म थ्री इडियट्स के लीड रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया, लेकिन तब भी वो नहीं माने तो शाहरुख ने एक बार फिर उनकी फिल्म ठुकरा दी थी, और जिसके बाद रोल आमिर खान के पास गया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित रही। इन शॉर्ट, शाहरुख खान ने 2 बार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को नो कहा और फिर खुद ही मांग ली अपने लिए ब्लॉकबस्टर फिल्म। भाई, इससे तो यही बात साबित होती है कि हिरानी है तो ब्लॉकबस्टर है। शायद यही सोच कर शाहरुख खान ने खुद ही हिरानी को अप्रोच किया। आपको बता दें, राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर डायरेक्टर्स में से 2 नंबर पर है। करण जौहर 1,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर है, जबकि हिरानी की नेटवर्थ तकरीबन 1,416 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म डायरेक्ट करने की तकरीबन 15 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं। हिरानी के पास मुंबई के नवे मुंबई इलाके में एक घर है जिसकी कीमत 15 करोड़ है। इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य शहरों में रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। उनके पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंच, जगुआर जैसे लग्जरी कारें भी हैं। भाई, इसे कहते हैं किस्मत कि पहले नो कहा और अब खुद ही ब्लॉकबस्टर के लिए वो हिरानी के पास गए, यानी कि किंग खान। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।